देखिए दोस्तों, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवा के ये लोग देते हैं मकान का। सर कितने गज का मकान आप बना कर देते हैं कोई अगर कहता है तो? 25, 30, 50, 100, 200 जितने गज जिस जरूरत है आपको उतने गज ले सकते हो। बना हुआ खाली जैसे मर्जी आप चाहो वैसे दे देंगे। सर अपनी साइड पे आ चुके हैं हम। जी सर, अनिल भाई अपनी साइड पे आ चुके हैं। और यहाँ आप जो फर्स्ट प्लॉट है ये आरके शर्मा, जेपी शर्मा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं हमारे। अच्छा, इनके प्लॉट हैं, दोनों भाई हैं और दोनों के ये दोनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ले रखा है पूरा कॉलर है। यहाँ से लगा के वहाँ तक 500 गज खरीदी हुई है, 250 गज दोनों भाई ने। क्या बात है। ये सर सामने के रोड की जैसे बात करते हैं, रोड कितने फीट का हमारा? ये 30 फीट का रोड है और ये अभी आपको कच्चा लग रहा होगा पर इसमें पीछे से काम चलता आ रहा है। 2-3 महीने के अंदर ये पूरा आपको RCC मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। अब जरा देख लेते हैं कौन कौन से प्लॉट इसमें अवेलेबल है अभी अंदर और किस किस तरह का रोड मैप हमने यहाँ पर बना रखा है। सर ये पूरी साइड है, ये 15 फीट के रोड है, 20 फुट के रोड है, पूरे सारे चारों तरफ मकान बने हुए हैं। अच्छा जी, जरा अंदर चलते हैं। बिल्कुल आइए। मीटर वगैरह से लग चुके हैं क्या? हाँ जी, जो भी मकान आप यहाँ देख रहे हो कंप्लीट है तो उस मकान पर आपको मीटर मिलेगा क्योंकि मीटर जो है ना रजिस्ट्री के बाद लगता है जी। ये मकान देखो ये बना हुआ है, इस पे मीटर भी लगा हुआ है, लाइट पानी बिल्कुल सब कुछ चीज चालू क्या है। बात। अच्छा यहाँ का पानी वगैरह कैसा है? थोड़ा सा पानी मीठा, पानी यहाँ का मीठा पानी है, लाइट बिल्कुल चालू है। सबसे मेन बात, हमारे पास आते ही इंसान को लाइट और पानी बिल्कुल सबसे फर्स्ट में आपको लाइट पानी मिलेगी जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे जरूरी सबसे जरूरी चीज हो गई आजकल। बिजली के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बगल वाला प्लॉट सर किसका बन के तैयार हो रहा है? ये कस्टमर है, इन्होंने अपना पूरा मकान बनवाया है, बना के दे रहे हैं पूरा। अच्छा आप ही बना के दे रहे हैं? जी हम ही बना के दे रहे हैं इसको। बहुत बढ़िया, उन्हीं का ये पड़ा हुआ है मुझे लगा। ये माल सब उन्हीं का पड़ा, रोड के अकॉर्डिंग ही रेट होता है। अगर रोड छोटा है तो रेट कम होगा, रोड बड़ा है तो रेट ज्यादा होगा। अच्छा क्या वैसे रेट सर हमारे रहता है इसमें? यहाँ पे सर 9,000 से लेकर और 18,000 रुपए 20,000 रुपए गज तक जमीन। एक छोटी सी बात बस। अच्छा ये बताइए यहाँ का पानी वगैरह कैसा है? पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिजली वगैरह कैसी आती है यहाँ पर? बढ़िया जी, टेक लाइट है। अच्छा मैंने ये भी सुना है बगल में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, नौकरी कोई भी कर सकता है? हाँ जी कोई भी कर सकता है जी। यही रहते हैं सर आप? हाँ जी। कौन सा मकान है आपका? जी मेरा तो गाँव में जी। अच्छा पीछे जाके इसमें अंदर है। ओके जी, शुक्रिया आपका। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से मतलब आसपास आपको सारी चीज यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सर है मैंने सुना है? यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे आपको दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लिनिक मिल जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाता है और आपको दिल्ली सरकार का ही केंद्र विद्यालय मिल जाता है, स्कूल। अच्छा जी, स्कूल मिल जाता है, दिल्ली सरकार का बारात घर मिल जाता है और साथ में आपको मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ये भाई पूरी बसावट दोस्तों साइड है इनकी जी। और आप खुद भी बनाकर देते हैं? मिनिमम जैसे कोई अगर अपना मकान बनवाना चाहता है तो मिनिमम प्लॉट साइज उसका क्या रहता है? 25, 50, 100 जितने, ज़्यादातर तो लोग 50 गज 100 गज तक ही बनवाना चाहते हैं या ज़्यादा ज़्यादा 150 गज। ये भाई हैं, इन्होंने 300 गज बनवाया पर ये चार भाई हैं तो चारों भाई ने एक साथ ही अपना प्लॉट लेकर बनवाने का काम हमें दिया हुआ है तो इनको 300 गज का पूरा कंप्लीट बना के दिया जा रहा है। अच्छा जी, और बाकी प्लॉट साइज जैसे कोई खरीदना चाहे तो अकेला प्लॉट केवल बिना बनवाए अगर प्लॉट साइज आप खरीदना चाहते हो तो 15x30-50 गज का प्लॉट आपको मिल जाएगा। साइज तो हमारे पास अलग अलग होते हैं, जैसा भी कस्टमर की पसंद होती है वैसा साइज उनको मिल जाता है। जैसे दिल्ली में बैठे हुए लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं जी सर, गाजियाबाद के नोएडा के लोग देख रहे हैं तो वो किस तरह से इस जमीन को देख सकते हैं गूगल पर जूम करके? ट्रोनिका सिटी के नाम से आप जमीन डालोगे तो ट्रोनिका सिटी के जस्ट बराबर में ट्रोनिका इनकलेव के नाम से हमारी कॉलोनी आएगी। okay. आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। अच्छा जी, जी सर। विजिट करने के लिए आ रहा हो तो सर कैसे आएंगे इसको? विजिट करने के लिए आप सीओ बिहार मेट्रो स्टेशन आ सकते हो या चौहान पट्टी बस स्टैंड आ सकते हो। अगर बस द्वारा आते हैं तो जी, चौहान पट्टी बस स्टैंड वही सिग्नेचर ब्रिज होते हुए आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए आते हैं ना, सोनिया बिहार पुस्तर रोड है वहाँ, सोनिया बिहार पुस्तर रोड से अंदर आते ही आपको चौहान पट्टी बस स्टैंड मिल जाएगा। अच्छा, और आपको 7-8 महीने या 1 साल के अंदर सोनिया बिहार मेट्रो स्टेशन भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें 10-15% काम बाकी है, वो काम चालू है जी, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, सोनिया बिहार मेट्रो बनती है दोस्तों आपकी जमीन के पास में बिल्कुल मेट्रो आ जाएगी जी। फिलहाल अगर मेट्रो की बात करें सर कौन सा मेट्रो लगता है हमारे फिलहाल? अगर अभी मेट्रो की बात करते हैं तो शिव बिहार मेट्रो स्टेशन चालू है मेट्रो जी सर। बाकी सर आपकी कंपनी का नाम, ऑफिस वगैरह कहाँ पर है? कंपनी का नाम समीर प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स के नाम से हमारी कंपनी है और खजूरी पुस्तर रोड पे मेन ऑफिस है, साइड पे भी हमारे ऑफिस होते हैं। Okay. कोई भी बंदा जो भी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इससे कुछ भी और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें।